अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफरीन खान और ये वीडियो रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से हिम्मत करके मैं ये रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ बहुत ज़्यादती की गई है। मैंने एक शख्स से शादी की थी जिसका नाम है अदील भट्टी, जो कि पिंडी से ताल्लुक़ रखता है, गुलरेज में रहता है, गली नंबर 6 में, मकान नंबर 224 में। अदील सफदर भट्टी नाम है लड़के का। ये आई मेरा ड्रामा देखने के लिए, इन्हें मुझसे प्यार हो गया, हमारी शादी हो गई। शादी के बाद, शादी से पहले बहुत अच्छे थे, शादी के बाद भी इन्होंने कुछ महसूस नहीं करवाया। 15 जनवरी 2020 को मेरी मम्मा का इंतकाल हुआ। मेरी वालदा के इंतकाल के बाद एक हफ्ते बाद इन्होंने मुझे बोला कि पिंडी आ जाओ, वहाँ पर हम रहते हैं, तुम्हारा माइंड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। मैं अपने घर वालों को लेकर वहाँ पर चली गई। मेरे घर में मेरा भाई है, मेरी भाभी हैं, एक मेरी छोटी बेटी है और एक मेरी भांजी है। हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर इनकी और मेरी घूमते फिरते किसी बात पे थोड़ी सी बहस हुई। इन्होंने मुझे अपने घर ले गए, वहाँ ले जा कर इन्होंने मुझे बंद कर दिया और मुझे वहाँ पर 25 दिन रखा और मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पर तशद्दुद किया, जुल्म किया, ज़बरदस्ती मुझे शराब पिलाई, मेरे वीडियो बयान रिकॉर्ड करते रहे और मुझे वीडियो बयान में कहते रहे कि तुम बोलो कि तुम अपने भाई को छोड़ दो, तुम मेरे भाई को मार दो, मैं नहीं जानती अपने भाई को। मुझे कहते मैं तुम्हें अकेला रखना चाहता हूँ, तुम अपने घर वालों को छोड़ दो, अपने काम को छोड़ दो। रोज़ मार खानी, रोज़ शराब पीनी। 25 दिन के बाद इनकी मेरी बात हुई कि मुझे ड्रामा करना है, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी मगर मुझे ड्रामा करने दो। इन्होंने कहा ठीक है। वहाँ पर ड्रामा करने के लिए हम गुजरांवाला चले गए। गुजरांवाला में मैंने ड्रामा किया 3 दिन, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। ड्रामा करके मैं जब ड्रामे से बाहर निकली तो रोज़ मेरे से गाड़ी में इन्होंने लड़ाई करनी कि तुमने इसको क्यों बुलाया, तुमने इससे क्यों बात की, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे। हफ्ते की रात थी, मुझे कहते हैं कि तुम अब कल चलो ना पिंडी, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं डर गई। मैंने जो है घर जाकर, ये सोया हुआ था, मैं चुप करके अपने घर वालों को लेकर घर से भाग गई। घर से भाग गई, नंबर मेरा ऑन था, मुझसे ये बात करते रहे, बात करके मुझे कहते रहे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, ज़्यादती की है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद हालात बहुत ख़राब हो गए, क्योंकि काम काज भी बंद हो गया था। इनकी मेरी सुलह हो गई। पूरे कोरोना के महीनों में कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, हम खुश खुश रहते रहे साथ। उसके बाद 14 मुहर्रम से हमारा ड्रामा शुरू हुआ। इन्होंने बोला तुम्हारा शौक है काम करना, तुम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने बोला ड्रामा कर लो। फैसलाबाद मैंने ड्रामा किया, फैसलाबाद ड्रामा करी थी। इन्होंने बोला, अदील भट्टी ने बोला कि आप पिंडी ड्रामा करो, मेरे कुछ काम हैं वो क्लियर हो जाएं। मैं पिंडी ड्रामा करने के लिए गई तो पिंडी में जुम्मा, हफ्ता, इतवार दो दो शो थे। वो शो हमारे गुजरते गए। अरशद भट्ट प्रोड्यूसर का ड्रामा था, सरोज थिएटर नया खुला सदर में, वहाँ पर मेरा ड्रामा था। मैं ड्रामा कर रही थी कि इतवार का ड्रामा ख़त्म करके रात को घर आई हूँ। वहाँ पर इन्होंने मुझे बहरिया टाउन में किसी कोठी में रखा हुआ था। खुश बाश इन्होंने मुझे रात को कोई बात महसूस नहीं करवाई। इन्होंने मुझे वहाँ पर रात को बोला हम सुबह एक सालगिरह पे जाएंगे, मेरे भाई की सालगिरह करेंगे। हमें ये गाड़ी में बिठा के सबको तैयार करवा के ले गए। रास्ते में हमारी गाड़ी में कुछ बंदे बैठ गए, मैंने समझा कि वो चोर हैं। उन्होंने हमें पिस्टल लगा दिया और इनके घर के बाहर ले गए। जब इनके घर के बाहर ले के गए तो अदील कहते कि ये पिस्टल मुझे दे दो, यही तो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था वो मैंने कर लिया। वो पिस्टल जो है इन्होंने अदील ने उन बंदों से पिस्टल ले लिया और घर पे ले आए। घर पर लाकर एक कमरे में मुझे भी मारा।
मेरे भाई को इतना मारा इतना मारा इतना मारा, शाम 7 बजे मारना शुरू हुए हैं और अगली सुबह दोपहर 2 बजे तक मेरे भाई को मारते रहे हैं, वीडियो बयान रिकॉर्ड करते रहे हैं उसमें मार मार के, कि बोलो तुम्हारी बहन ठीक नहीं है, बोलो तुम्हारी बहन ऐसी है, बोलो तुम्हारी बहन तुम उसे नहीं जानते, तुम अपनी बहन को छोड़ दो, तुम सब लोग चले जाओ, मैं तुम लोगों को रिहा कर दूंगा मगर इसको यहीं रहने दो, उसके पीछे कभी नहीं आना। उधर से मेरी भाभी के साथ इसने 2 दफ़ा बदतमीज़ी की है, ज़्यादती की है, उसको मारा है। मेरी 1 साल की भांजी है, मेरी जान है, वो मेरे भाई की बेटी है जन्नत खान, इसने मेरी बेटी जन्नत खान जो मेरी भांजी है उसके मुंह पर थप्पड़ मारे, उसे उठा उठा के बेड के ऊपर मारा। उसके बाद मेरी बेटी है खुशी खान जो अब 5 साल की हो गई है उसे मारा। वो इस कदर डरी हुई है इस शख्स से कि वो कहती है कि बाबा का नाम भी ना लो। इतना इन लोगों ने हमारे साथ वहाँ पर जुल्म किया उस रात, इतना ज़ुल्म किया कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। वहाँ पर इनकी अम्मी ने मेरी जान बचाई, इनकी अम्मी शगुफ्ता नाज नाम है उनका, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने कहा कि तुम ये तलाकनामे पे दस्तखत और अंगूठे लगा दो, हमारी जान छुट जाएगी, तुम चली जाना। मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए, अंगूठे लगाए, इनके पाँव पड़ी, माफ़ियाँ मांगी। इन्होंने सारी रात मुझसे अपने पाँव चटवाए, अदील ने मुझसे मेरे भाई से अपने पाँव चटवाए और मार मार के बोला बुलाओ किसको बुलाना है, कौन है तुम्हारे पीछे आने वाला, तुम्हारे पीछे आने वाला कोई नहीं है, मुझे तो इंतज़ार था तुम्हारी माँ के मरने का, तुम्हारी माँ मरी है तो ही तो मैंने ये किया है सब, ना बाप है तुम्हारा, ना माँ है, ना कोई और पीछे आने वाला है, क्या करना है अब तुमने। इस तरह की बातें इन्होंने की, मेंटली टॉर्चर किया, बच्चों के साथ भी बहुत जुल्म ज़्यादती की। इन्होंने भी दस्तखत किए, अंगूठे लगाए। उसके बाद अगली शाम को इनकी अम्मी ने मुझे वहाँ से रवाना कर दिया, गाड़ी में बिठा के, करीम गाड़ी बुक की, हम घर आ गए। सारे रास्ते मेरा फ़ोन ऑन रहा, मुझे कहते फ़ोन पे मेरे साथ रहना, घर में आने के बाद भी फ़ोन पे रहे। मैंने बोला अदील मैंने ड्रामा करना है, मैं घर में मैं नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि मेरे घर के अखराजात भी हैं, इनका कर लो। गुजरांवाला मैंने ड्रामा किया इम्तियाज़ शाह जी का, जो कि गुजरांवाला में कैपरी थिएटर में ड्रामा लगाया हुआ है, मैं वहाँ पर ड्रामा कर रही थी। 24 घंटे फ़ोन के ऊपर रहना, किल किल लड़ाई झगड़ा धमकी। मैंने इनको बोला कि मैंने बात नहीं करनी, मुझे कहते हैं अगर तुमने बात नहीं करनी तो मैं तुम्हें जान से गोली मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी मार दूंगा, बेशक कहते हैं मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, बेशक कहते हैं जिसको मर्जी जाके बता दो। अब मैं और मेरे बच्चे हम लोग घर से भागे हुए हैं, मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी वालदा के जाने के बाद हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हमारे सर पर कोई भी बड़ा नहीं है जिससे हम मदद मांग सकें। आखिरकार हम लोग हुकूमत से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन जैसे दरिंदों को पकड़ा जाए, और मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती स्टाम्प पेपर लिखवाए हैं, ज़बरदस्ती इन्होंने मार मार के चेक खाली चेक जो हैं वो साइन करवाए हैं, बिजली का करंट होता है जो पुलिस के पास, इन्होंने गुदरेज टाउन के पुलिस के बंदे भी बुलाए थे, उनके पास इतना सा कोई था वायरलेस के जैसा जो करंट लगाता है, इन्होंने मेरे भाई को उससे करंट भी लगाए, अदील भट्टी ने करंट भी लगाए उससे, ठीक है, और दस्तखत करवाए स्टाम्प पे और कहते हैं कि तुम अब जाओगी अगर तो, अगर मेरे साथ नहीं रखोगी, बात नहीं करोगी तो मैं उस स्टाम्प के ऊपर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लिख के तो तुम्हारे ऊपर पैसे चढ़ा दूंगा। मेरी हालत इस तरह की नहीं थी, इस बंदे ने मुझे ज़हनी टेंशन दे के, धमकियां दे के, डरा डरा के हमें पागल कर दिया है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद करें। अब मैं ये न्यूज़ वालों को से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे इस न्यूज़ को, इस मैसेज को चलाएँ, सारी दुनिया तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो जुल्म औरतों के साथ बंदों ने शुरू किया हुआ है इस बंदे को पकड़ा जाए और इसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसने मेरे 1 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची जो है जन्नत खान, उसके साथ बहुत ज़्यादती की, उसको मारा है बहुत ज़्यादा। मेरी 5 साल की बेटी, इसने उसको भी बहुत मारा है और इसका कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई इसको समझाने वाला नहीं है, इसके घर वाले भी इससे डरते हैं,
अभी मेरे पास इसके रिकॉर्डिंग्स, इसके मैसेज, इसके तस्वीरें, हर चीज़ मेरे पास सबूत मौजूद है। मैं हाथ जोड़कर वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करती हूँ कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें सबसे पहले तहफ़ दिया जाए, क्योंकि इसके ऐसे बहुत से लिंक्स हैं, दोस्त हैं, लिंक्स हैं, जो जिनको नहीं पता कि ये मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ क्या जुल्म कर रहा है, ये उनको मेरे पीछे चढ़ा रहा है, ठीक है, मुझे धमकियां देता है, घर से उठवा लूँगा, मैं घर से बेघर होके दो बेटियां लेके फिर रही हूँ, सड़कों पर रुल रही हूँ, मैं रहने की जगह नहीं है, पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गाड़ी थी वो भी बिक गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें, आपसे मैं दरख्वास्त करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के आगे, इस बंदे के पाँव पड़ी हूँ, कोई सिला नहीं मिला, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें इंसाफ दिलवाएं, मेरे बच्चों को, मुझे, हम लोगों को रुलने से बचा लें।